महाविद्यालय मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं ज्ञानचंद श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य भाषा संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता पर आयोजित इस विचार गोष्ठी में महाविद्यालय परिवार आपको सुशोभित कर रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि परम पूज्य स्वामी वेद तत्वानंद पुरी जी महाराज, आवासीय आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास। हमारे मुख्य वक्ता हैं आदरणीय श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, वर्तमान में आप संपादक अक्षर पत्रिका पर मंच पे उपस्थित हो। इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। मैं सर्वप्रथम निवेदन करती हूँ हमारे प्राचार्य महोदय कि आज के हमारे मुख्य अतिथि स्वामी वेद तत्वानंद पुरी जी का स्वागत पुष्पहार से। मैं वरिष्ठ प्राध्यापक आलोक जी से भी निवेदन करती हूँ वे शॉल एवं श्रीफल से स्वामी जी का
भू को ऊपर ले जाने वाला भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला भारत है संज्ञा विराग की उज्जवल आत्म उदय की भारत है आभा मनुष्य की सबसे सबसे बड़ी विजय की नमन करूं तुझे नमन करूं मैं भारत तुझको नमन करूं मैं। विश्व के पटल पर जब दुनिया के समस्त राष्ट्र उदित होने वाले जिनका इतिहास शायद साथ बहुत ज्यादा लंबा नहीं था जब अपनी संस्कृति की उषा काल में अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल रहे थे उस विश्ववटल पर भारत अपनी आध्यात्मिक चेतना किसान ज्ञान दर्शन की परंपरा की उत्कृष्ट नाद आत्मद सर्वभूतेषु के साथ मानव को मानवता में निवेशित करने के लिए दैदीप्यमान नक्षत्र की सदृश क्षितिज पर चमक रहा था। निश्चित रूप से उसी भारत की पुनः वंदना करते हुए आज यह महत्वपूर्ण अवसर है जबकि हम आदि शंकराचार्य गुरु विषय पर इस संगोष्ठी को आयोजित कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे समक्ष उपस्थित उन मनीषी चिंतकों और साधुओं की अमृत कवि जो धारा यहाँ बहाई जाएगी उसमें हम अपने आप को आप्लवित करने की कोशिश करेंगे। भारत की है सनातन ज्ञान परंपरा, हम कह सकते हैं हजारों हजारों वर्ष पूर्व मनीषी साधकों और चिंतकों की तपा सपूतों की वह ज्ञान साधना का ओज था जिसमें कि प्राणी मात्र चर अचर सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सत्तु निरामया का यही एक मौलिक ओज प्रेरक शोध चल रहा था। अगर हम देखें तो विषय एक त्रिभुज को तैयार करता है जिसमें केंद्र पर एक भुजा है राष्ट्रीय एकता, आजू बाजू की एक एक भुजा है भाषा और संस्कृति और शीर्ष पर विद्यमान है उसे आज के इस विषय पर सर्वप्रथम विषय के प्रवर्तन के लिए और स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष राजनैतिक राज्य से प्रथम जब हम एक आध्यात्मिक राष्ट्र की तरफ उंगली उठाते हैं तो निश्चित रूप से 32 वर्षीय उस महामानव का दृश्य हमें तेज पुंज के दर्शन होते हैं जिन्हें हम आदि शंकराचार्य गुरु कहते हैं। तेलुगु की एक कविता की पंक्ति है देशम अट्टे माटी दोए देशम अट्टे मानुज लोए देश का अर्थ मिट्टी नहीं देश का अर्थ है मनुष्य। इसी भावना को समझा था आदि शंकराचार्य ने और उन्होंने देश हमारे राष्ट्र की संपूर्ण दिशाओं को एक सूत्र में बांधकर सांस्कृतिक एकता का सिमरनाथ किया था। निश्चित रूप से मैं हमेशा अपने विद्यार्थी को यही समझाती हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन सैकड़ों वर्षों की गुलामी के पश्चात 1857 की गदर के पश्चात इतने चरम स्थिति पर नहीं पहुँचा होता यदि राष्ट्रीय संस्कृति के वह सूत्र आदि गुरु के द्वारा शायद नहीं पिरोए गए होते। हमारे बीच में हमारे विशिष्ट मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर केदारनाथ शिवहरे जी मनीषी चिंतक और जो पेशे से हैं लेकिन यदि मैं कहूँ तो शायद लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दिशाओं में वे स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। सबसे सभी नए अनुरोध करती हूँ डॉक्टर केदारनाथ शिवहरे जी से। आदरणीय श्री भागचंद भागेंदु जी आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर अनीता नायक मैडम से कि वे आकर आदरणीय भागेंदु जी को पुष्पगुच्छ दें एवं प्रोफेसर अनिल जैन सर एवं अनिल यादव सर से मैं निवेदन करती हूँ कि शॉल एवं शेफर से आदरणीय भागेंदु जी का
कार्यरत रहे, साथ ही अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आप सम्मानित किए गए। केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा स्वामी विवेकानंद पुरस्कार, इंटरनेशनल काउंसलिंग फॉर कल्चरल रिलेशंस एंड नेहरू सेंटर साउथ वेक्स लंदन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमानानंद पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कबीर सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया। वर्तमान में आप महात्मा गांधी द्वारा स्थापित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के हिंदी भवन से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका अक्षरा के मुख्य संपादक हैं। हम जब विद्यार्थियों को प्लेटो यूनान के चिंतक को पढ़ाते हैं तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब तक अंटिल द फिलोसोफर्स आर किंग एंड प्रिंसेस ऑफ वर्ल्ड हैव द स्पिरिट ऑफ फिलोसफी सिटीज विल हैव नेवर इविल्स ऑफ देयर्स। जब तक एक फिलोसोफर या दार्शनिक शासक नहीं होगा या शासक दार्शनिक नहीं होगा, राज्य को उसकी बुराइयों से दूर नहीं किया जा सकता। प्लेटो सिर्फ कल्पना करता है, शायद मानो श्रीवास्तव जी से मिला होता तो उसे पता चल जाता कि ये सिर्फ कल्पना नहीं आदर्श है। हमारे दाकर जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलने देती हूँ मैं। मैं आदरणीय सर के विषय में ही बोल रहा था कि हमने मैडम ने बहुत विस्तृत परिचय सर का नहीं दिया क्योंकि बहुत समय भी नहीं है, और सर प्रतिभा बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत सारे पदों पर कार्य किया। साथ ही साथ जो हम ये प्रतिमा देख रहे हैं आचार्य शंकर के यहाँ, जो ओंकारेश्वर में 108 फीट की विशाल प्रतिमा का अभी अनावरण हुआ था सितंबर अक्टूबर में, तो कहीं ना कहीं जब सर थे संस्कृति विभाग में चीफ सेक्रेटरी, तब सर के भी ध्यान में वो चीज़ें थी और सर ने उसको साकार रूप देने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। इसलिए सब एक बार हम करतल ध्वनि से सर का स्वागत करेंगे और मैं अब आगे वक्तव्य के लिए सर को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सर से निवेदन है कि हमारे इस मंच को हमारे छात्रों को बताएं कि विषय कितना गूढ़ है और आपके चिंतन की गूढ़ता को हम सुनना चाहें। देखेंगे ना तो उसमें उस स्थान का जिसका कि मलयाली में अर्थ होता है जन्म स्थान, उसको बताया गया है कि दिस रिलेट्स टू द इसका नाम जो है पेरुवा। शंकराचार्य का भी उल्लेख ही नहीं, और ये चीजें जो है हमारे देश में चल रही हैं जो एक विशेष विचारधारा के कारण, तो मुझे लगता था। फिर एक तीसरी और विचारधारा थी जो कहना चाहिए कि सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन बहुत से न्याय उसके साथ साथ करती चलती है, और वेणु और नंद की कुछ प्रतिकृतियां हैं जो आदर्श हैं, तो वो भी थे, तो इस तरह के बहुत सारे लोग थे। तो मैंने कहा कि जो है इनका प्रत्याख्यान करना जरूरी होगा यदि हम शासन में हैं तो भी। सामान्यतः हम लोग सोचते हैं कि शासन से संबंधित नहीं है, समाज निर्माण अपना होता रहेगा और शासन अपना जो है चलता रहे, राज्य और समाज के बीच में दूरी रहे, और उस दूरी के बीच में जो है जितनी दूरी रहेगी हम उतने सुरक्षित हैं। लेकिन ये तर्क अंग्रेजों का था, अंग्रेज जो है राज्य और समाज के बीच में कभी भी जो है नैकटी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपने होने की जो संरचनात्मक वैधता है, जो स्ट्रक्चरल वैलिडिटी है उनके होने को, उसको इस समाज में लोकेट ही नहीं कर सकते थे, वो यहाँ के पराए थे, तो वो उस तरह के तर्क रचते थे, अपनी माया से ही नष्ट होते, तो उनके साथ भी माया की जाए तो जो है उनका इलाज हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, हमारे नमः तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये यत्प्रसादात् विचित्रेयं लोकयात्रा प्रवर्तते। तो सक्षम हो के उसके हृदय में बैठ रही कि नहीं, हम प्राचार्य महोदय को बहुत बहुत बधाइयाँ देते, और आप सब आज के इस आयोजन के साक्षी हो। फिर कभी मौका होगा हम आपके बीच में आएंगे, आपके साथ हैं,
जब देश भर में जाते हैं, साधुओं के बीच जाते हैं, तो प्रभु ने हमें इतनी स्मरण शक्ति दी है, इतनी स्मरण शक्ति दी है कि हम चाहे वो छांदोग्य हो, चाहे दूसरी चीजें हों, हमारे ध्यान में हैं कि कैसे क्या हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हम सब के बीच में सुख शांति और समृद्धिपन पे आज हमें डॉक्टर शिव हरे जी का भी सानिध्य मिला, जब तब मिल जाता है और हम उनको कृतज्ञता समर्पित करते हैं भाई साहब की विद्वत्ता के लिए। और इसकी जो विदुषी संचालिका डॉक्टर इंदिरा जैन हैं, इन लोगों को हम एक अपने परिवेश नहीं करना चाहते, आप सबको धन्यवाद देते हैं। कभी और मौका होगा तो किसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप शंकराचार्य की जन्मभूमि को देखो, श्रृंगेरी मठ भी जाकर के देखो, और वहाँ अंगूर, लीची और जितने काजू किशमिश के वन लगे हुए हैं, हम जिसे मैंने एकेडमी में डायरेक्टर हुए थे, तो 14 एकड़ का वन हमको मिला था सरकार की ओर से, और उसकी रखवाली के लिए भी मिला हुआ था। हम सबको धन्यवाद के साथ ओम नमः। ओम मुख्य अतिथि के रूप में पंडित पूर्व स्वामी वेदवत आनंद पुरी जी महाराज के आशीष वचनों से हमारे छात्र छात्राएं, प्राध्यापक बंधु, समाज शोधकर्ता ने लाभ अर्जित किया। आपकी वाणी से जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता पर आपने जो अपना कर्मठतापूर्वक विचार प्रस्तुत किए, उसके लिए मैं इस संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। और हमारे बीच हमारे ही शहर के और ओजस्वी आमंत्रित वक्ता रामकृष्ण विवेकानंद सेवा समिति के प्रखर विद्वान दमोह की आनुमान शान डॉक्टर केदार शिवहरि जी का मैं सत्सत नमन करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे छात्रों को अपने ओजस्वी वचनों से लाभ अर्जित करवाए। डॉक्टर भागेंदु जी, जो इस महाविद्यालय के नहीं पूरे जिले और मध्य प्रदेश के संस्कृत के प्रखर विद्वान रहे, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी में अपनी सेवाएं सचिव के रूप में दी और इतनी वृद्धावस्था के बीच आज वो हमारे समक्ष आए। मुझे वास्तव में ऐसा लगा कि आदरणीय भागचंद जी का वह बाल स्वरूप जो बार बार पुनरावृत्ति आदि की भाषा में करता है, आज हमें देखने को मिला। मैं पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके प्रभावी वक्तव्य को भी नमन करता हूँ। समस्त हमारे बीच में आरएसएस के प्रांतीय सह संचालक आदरणीय रामलाल जी, जिला प्रचारक जी, एवीपी के अध्यक्ष जी, और हमारे महाविद्यालय में बाहर से पधारे समस्त अतिथि विद्वानगण, छात्र छात्राओं, प्राध्यापक बंधु, आशा करता हूँ कि आज के इस संस्कृत भाषा
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश शासन ने हमें इसके लिए चुना और यह आयोजन करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र धाकर आदरणीय वामनिया जी का पूर्ण सहयोग रहा और इन्होंने ही इन विषयों का चयन करके आदरणीय वेदांत नंदपुरी जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित करवाने का पूरा प्रयास किया और प्रयास सफल रहा। मैं सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, पुनः विनम्र अनुरोध के साथ यह कार्यक्रम पूर्ण करने की मांगता हूँ। धन्यवाद। हम स्टाफ के सभी सदस्यों से हमारे विद्वत गणों यहाँ पर देखिए सब लोग भाई पीछे आओ। एक मिनट मैम थोड़ा मैम सब लोग आएंगे एक बार और जो हमारी वोटिंग है उसको बढ़ाना है और लोगों में जागरूकता कोई
हर दम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया में मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया में मेरे महबूब। आज के इस भारतीय भाषा समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं स्नातकोत्तर ज्ञानचंद श्रीवास्तव शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय विचार गोष्ठी, जिसका विषय है जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य, भाषा संस्कृति और राष्ट्रीय एकता। इस संगोष्ठी के तृतीय सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं मंच पर स्वागत करूंगा सबका, उनको मंच पर बुलाऊंगा। उससे पूर्व को मंच पर उपस्थित हूं, मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर के एस बामनिया सर को, वो मंच पर उपस्थित हूं। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अनिल यादव सर को, वो मंच पर उपस्थित हैं। डॉक्टर इरफान सर वो भी मंच पर आए, और डॉक्टर मनीष साहू सर वो भी अपने सर्टिफिकेट्स इत्यादि के साथ मंच पर उपस्थित हों। और हमारे इस सत्र की मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर यशोदा सिंह, सहायक प्राध्यापक संस्कृत शासकीय महाविद्यालय महाराजपुर छतरपुर से हैं। आप सभी का करतल ध्वनि से हम इस तृतीय सत्र में स्वागत करते हैं। मैं सभी के विधिवत स्वागत के लिए सर्वप्रथम हमारे विभागाध्यक्ष संस्कृत के डॉक्टर के एस बामनिया सर को आमंत्रित, या उनके स्वागत के लिए मैं इरफान सर से निवेदन करता हूँ कि जी पुष्प गुच्छ से सर का स्वागत। हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर के कोरी सर के स्वागत के लिए डॉक्टर मनीष साहू सर से निवेदन करता हूं कि वो पुष्प गुच्छ के द्वारा हमारे सर का स्वागत करें। मैं पुनः मनीष सर से निवेदन करता हूं कि वो हमारे अपने साथी और समाज साथी ताली बजाकर एक बार। मैं पुनः मनीष सर से निवेदन करूंगा कि वो रसायन शास्त्र विभाग के हमारे साथी डॉक्टर इरफान सर का पुष्पहार से स्वागत करें। और मैं डॉक्टर के एस बामनिया सर से निवेदन करूंगा कि वो मनीष सर का पुष्पहार से स्वागत करें। मैं हमारे संस्कृत विभाग तालियों से स्वागत करते हैं, और वैष्णवी पांडे से निवेदन करते हैं कि वो पुष्पहार से हमारी इस सत्र की मुख्य अतिथि और विशिष्ट वक्ता पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। डॉक्टर के एस
पापड़िया सर से निवेदन करूंगा कि वो जो हमारा चित्र है आचार्य शंकराचार्य जी का, इच्छुक है चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, वो चाहे आपको यूपीएससी करना हो, पीएससी करना हो, अन्य कोई एग्जाम्स क्लियर करना हो, तो उनमें जितने प्रश्न आते हैं यदि भारतीय भाषा संस्कृति और उनकी ज्ञान परंपरा से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसमें कहीं ना कहीं आदि शंकराचार्य जी का जिक्र जरूर होता है। सुनाओ वहीं से हमारे शंकराचार्य जी ने लिखी है। किसी को पता है गंगाष्टकम किसने लिखा है? काल भैरव शंकराचार्य। इतने जितने भी स्त्रोत्रों का हम पाठ करते हैं, जितने अधिकतर स्त्रोत्र हैं वो शंकराचार्य जी के लिखे हैं। जितने हमारे उपनिषद हैं 11 उपनिषद 10 उपनिषद सब पे शंकराचार्य जी का भाष्य है। जितने हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उन पर कहीं ना कहीं लिखी हुई है। आप ये बात समझिए कि आज के समय में हम जो जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, नहीं गए कौन कौन उत्तराखंड गया है, बहुत कम लोग, एक दो। 1200 वर्ष पूर्व 8वीं शताब्दी में वो केरल से अपनी पद यात्रा शुरू करते हैं। 8 वर्ष का बालक केरल से अपना घर छोड़ करके निकलता है और कितनी भीहड़ परिस्थितियां उस समय रही होंगी, जंगली जानवर कैसे रहे होंगे, कैसे दुर्गम रास्ते रहे होंगे, और उन रास्तों को पार करके वो बालक 12 वर्ष की अवस्था में हमारे ओंकारेश्वर में आता है। ओंकारेश्वर में आके गुरु गौड़पाद की शरण में जाते हैं, वहां उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसी स्थान पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक 108 फीट की विशाल प्रतिमा आदि शंकराचार्य जी की बनाई है वहां पर। कहां पे? मांधाता पर्वत पे। जब भी हम ओंकारेश्वर जाते हैं तो शंकराचार्य की जो प्रतिमा जो यहां पर उद्धृत है ये आपको खड़ी हुई दिखेगी नर्मदा के इस साइड से उस साइड, वहां ऊपर मांधाता पर्वत पर। और वहां एक एकात्म धाम नाम का एक बड़ा प्रकल्प शुरू हो रखा है जिसमें वेदांत के 6 स्कूल बनेंगे, गुरुकुल बनेंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी प्रकल्पना, कितना बड़ा, कितनी बड़ी सोच, कितना बड़ा प्रयास मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है और वो सब हमारे लिए है। शंकराचार्य उस समय हमारे ओंकारेश्वर आए, फिर उन्होंने अपने अध्ययन के बाद आगे की यात्रा प्रारंभ की, पूरे देश में हर जगह घूमे, द्वारिका गए, श्रृंगेरी गए, वहां पुरी गए, उधर कश्मीर गए, शारदा पीठ में जाकर के जो आज पीओ के में वहां शारदा मंदिर की स्थापना की। तो एक उस समय जो 1200 साल की पुरानी इतनी कठिन स्थितियों में एक व्यक्ति इतना कार्य कर सकता है और हमारे को सारी संसाधन सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, हम आते हैं, हंसी मजाक करते हैं, चले जाते हैं, या किसी एक दिन भी किसी को विशेष प्रयोजन के लिए बुलाया जाता है तो उसमें भी उनको समस्याएं होती हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हम किसी और दिन भी कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे नियमित जो दैनिक दिनचर्या रहती है वो हम किसी भी दिन कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या में नहीं होती। लेकिन जैसे कि आज का ये आज की ये कि विचार गोष्ठी है, ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। तो जब भी हमें समय मिले, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चीज के लिए दौड़ता है और उसकी वो तृष्णा, उसकी वो दौड़ कभी समाप्त नहीं होने वाली जीवन पर्यंत। चाहे वो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाइए तब भी आपकी तृष्णा समाप्त नहीं होगी, तब भी उस चीज के लिए आपकी भूख खत्म नहीं होगी। लेकिन जो चीज जो मुख्य है, जिससे हमारा जीवन तरता है, जिससे हमें शांति मिलती है, वो ज्ञान है। क्योंकि वेद में कहा है रिते ज्ञान अन्न मुक्ति, और गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के सदृश पवित्र वस्तु कोई नहीं है। आप जैसे कि स्वामी जी बता रहे थे हमें संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, बड़े बड़े राजा हुए कहां, युधिष्ठिर की कोई आपने कभी प्रतिमा देखी है? कोई युधिष्ठिर जिन्होंने दिग्विजय किया था, कोई प्रतिमा नहीं है। कहां अन्य जो राजा हुए हैं उनकी प्रतिमाएं हैं? नहीं है। और प्रतिमाएं हैं भी तो कौन उनको पूजता है, कौन उनका नाम स्मरण करता है? नहीं करते ना। तो बहुत कम जो ज्ञान के जो चक्षु रहते हैं, जो ज्ञान के ने किया, उनके जो सोच थी, उनके स्त्रोत्र थे, उन्होंने किया। तो इसी सब बातों को हमारे बीच में रखने के लिए
मुख्य वक्ता के रूप में जो हमारे बीच में उपस्थित है विषय विशेषज्ञ के रूप में, प्रतिभागी हैं उनके द्वारा जो आज कार्यक्रम में भाग लिया गया उसके लिए प्रतिभागिता सर्टिफिकेट का वितरण किया जाएगा। एक क्रम से नाम बुलाएंगे, उस क्रम से जो विद्यार्थी दूसरे हैं, शिवराज अहिरवार, महेंद्र चक्रवर्ती, महेंद्र आ जाए, महेंद्र के बाद है भूपेंद्र सिंह लोधी, देखिए यहाँ पर संजय पटेल सर, यहाँ देखिए ओके सर, बोलिया यहाँ पर देखिए, ओके किशोरी लाल अहिरवार यहाँ पर देखिए, आलोक जाटव यहाँ पर देखिए, अमित को जो है वो हाथ उठा देना, ठीक है सिद्धार्थ, हिमांशु जारूलिया, कृष्ण गोपाल पांडे बेटा दोनों हाथों से ऐसे लेते हैं ऐसे, हाँ आजे यहाँ पर देखो सब लोग बैठो, राजा राघव तिवारी, पंकज पाठक, शिवम दुबे, जिसका है वही रहो बाकी पीछे हो जाओ, क्यों राघव इधर यहाँ पर देखो, जागेश्वर जी, जागेश्वर रजक, संजय कौन, प्रमोद अहिरवार परमुखाची, संजय कमल अहिरवार, निकांत कुर्मी, संजय सेन, नीरज ठाकुर, कृष्ण प्रसाद, मनीष तिवारी, ब्रजेश अहिरवार, महबूब खान, यहाँ पर देखो भाई, ओके यहाँ पर देखो भैया ये आकाश अहिरवार, मनीष यादव, प्रजापति लोकेंद्र, महेंद्र चक्रवर्ती, धर्मेंद्र यादव राजेश अहिरवार, चंद्र कुमार सेन, रमेश बंसल, यश विश्वकर्मा, यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो, जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं वो अपने को अपने नाम वहाँ दे देना डिपार्टमेंट में, उन सबको मिलेंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है। एक बार सभी जहाँ जहाँ बैठे हैं अपने सर्टिफिकेट अपनी तरफ कर लीजिए, आप लोगों ने अटेंडेंस में साइन नहीं किए होंगे, ठीक है। अरे मैम को आने दो, यहाँ पर देखो एक मिनट,
मंच पर उपस्थित सभी प्राध्यापकगण, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम शुरू से इस सुबह से हम लोग शंकराचार्य जी के विषय में सुन रहे हैं। तो संक्षिप्त में ज़्यादा समय ना लेते हुए उनके निर्वाण अष्टकम का एक श्लोक आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जिह्वा न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न च तेजो न वायु चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। धन्यवाद। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः, ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री गुरुभ्यो नमः। एक साथ सब लोग एक बार गुरु शिवोऽहं शिवोऽहं।